मैं अपना खड्डा टाइप का भी कोई बना लिया है, तो अभी इनके लिए कोई मटका भी लाना पड़ेगा। मैंने सुना है ना, फिलहाल दोस्तों ये घर में नहीं जा रहे, अंडे वगैरह तो ये नहीं दे रहे, क्योंकि फीमेल ये बैठी है और मेल वो बैठा हुआ है, इनके लिए समझ नहीं आ रही। और आज शाम को ना हमने क्या करना है, इसकी भी दोस्तों हमने अंडे चेक करने के लिए। माशाल्लाह ये देखें, इन्होंने दो बच्चे दे दिए बगैर चार अंडे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम लोग क्या कह रहे हो, सब कैसे हो? दोस्तों आज ना हमने ना इस वीडियो में तीन चार काम करने हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको अपनी छत दिखा देता हूं, और आप मुझे कहेंगे कि हमजा भाई आप वीडियो बनाने छोड़ दें, आप ना वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि आप अपनी सेटअप की केयर नहीं कर सकते। तो चलें यार, सफाई तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने सेटअप की वीडियो दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरी छत की हालत है। ये ना सिर्फ तीन चार दिन मैंने जब सफाई नहीं की ना, तो उसी वजह से ना ये हालत बन गई। ये चेक करें, इधर मटर के छिलके पड़े, प्याज पड़े हैं, और छत की हालत इतनी गंदी हुई हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मौसम प्यारा है लेकिन छत की हालत पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और न्यू वीडियो में खुश आमदीद। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिए। और दोस्तों हमें चार काम करने हैं। पहला तो हमने अपने कबूतरों का खाना खोला है, वो तो कल शाम को मैंने खोल दिया था। हमारे जो कबूतर हैं, देखें ना मौसम प्यारा है लेकिन छत पर नहीं है, आपको देखें अपने अपने घरों में नजर आएंगे, और कुछ को हमने बंद किया हुआ है। तो जो उनका घर ना हमने खोल दिया था, हमने कहा था अभी मौसम ठीक हो गया तो ये ना अपनी दोबारा से ब्रीडिंग स्टार्ट करें। तो देखें इनका हमने घर बना दिया है, और सब के देखें हमने घर खोल दिए, और अब ना इंशाल्लाह एक दो हफ्ते तक ना ये अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और हमारे सेटअप पे ना नए नए प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे आएंगे। तो यार चलो ठीक है ना, तुम लोगों ने ना अच्छी तरह ब्रीडिंग करनी है और अच्छी तरह बच्चे वगैरह देने, ठीक है ना। अब तुम लोगों का घर खोल गया दोस्तों, एक हमारा येला रह गया अकेला, और एक बोला रह गया, क्योंकि जिसका जो मेल था आपको पता है वो ख़राब था, वो हमने सेल कर दिया, उसका भी हमने मेल लेके आना है। और इसका भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा, अगर हमें इस तरह का ना कोई इसके बराबर का कोई जोड़ा मिल जाता है ना, तो वो भी हम ले आएंगे। यार तुमने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना, हम तुम्हारा कोई ना कुछ सोचते हैं तुम्हारे बारे में, ठीक है। और देखिए दोस्तों, हमने ना ये इस तरह के डंडे बना दिए हैं। ये हमने क्यों बनाए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई नया जोड़ा आता है ना, तो हम उसको ना उस खाने में डाल के ना तो ऊपर से बंद कर दिया करेंगे, जैसे इसको हमने बंद नहीं किया हुआ इनको, तो उसको बंद कर दिया करेंगे। तो फिर उससे क्या होगा कि ये अपने घर के पक्के हो जाएंगे, ये फिर उधर ही ब्रीडिंग वगैरह करेंगे अपनी। और मैंने ना कल ना इनके लिए ना मैंने छत पे ना तिनके वगैरह डाल दिए थे, जैसे कि नीचे छोटे छोटे पड़े हुए हैं, तिनके वगैरह डाल दिए। तो इन लोगों ने ना तिनके उठा के अपने घर में, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर। ये देखिए इन लोगों ने माशाल्लाह से अपना घर भी बनाना स्टार्ट कर दिया। इनको पता चल गया कि अब ना हमारे घर खोल गए, तो अभी हमें कोई नहीं रोक सकता। तो यार अब मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा, ठीक है ना। तुम लोगों ने ना जितनी ब्रीडिंग करनी है करो, सिर्फ दो महीने नहीं करनी, जून और जुलाई, उसके अलावा तुमने जितनी करनी है करो, अंडे देने, बच्चे देने, एक बारी में तुम 10-10 बच्चे भी दे देना तो मजे को भूल है, ठीक है ना। लेकिन जून जुलाई के महीने में ना मुझे इन पे ना जुल्म करना ना अच्छा नहीं लगता दोस्तों। तो चलो ठीक है ना, अब फुल एंजॉय करो। हमारा मशरूम कॉकटेल का बच्चा देखे काफ़ी बड़ा हो गया, देखिए इसके सर पर ना ताज भी निकलना शुरू हो गया, मैं आपको करीब से दिखा तो उड़ना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए दोस्तों इसके सर पे ना ताज निकलना शुरू हो गया। और अब ये नहीं पता कि ये अब दोबारा ब्रीडिंग करेंगे भी ये नहीं करेंगे। अभी तो फिलहाल दोस्तों ये घर में नहीं जा रहे, अंडे वगैरह तो ये नहीं दे रहे, क्योंकि फीमेल ये बैठी है और मेल वो बैठा हुआ है, इनकी भी समझ नहीं आ रही। और आज शाम को ना हमने क्या करना है, इसकी भी दोस्तों हमने अंडे चेक करने, कितने अंडे दिए हों, उसकी भी चेक करने, कि काफ़ी टाइम हो गया ना कि हमने इन्हें देखा ही नहीं है, बस ये अंदर बैठे हुए बैठे हुए। शाम को देखेंगे, उसे तसल्ली तो करेंगे ना कि इन लोगों ने अंडे दिए भी हैं या अंदर बैठे हुए हैं। तो ये भी हमें शाम को काम करना है, क्योंकि अभी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा धूप है ना, सफाई भी करनी है, और इनके ना अंडे वगैरह भी चेक कर लेंगे कि क्या इन लोगों ने कितने कितने अंडे दिए। वगैरह रैबिट्स को मैं देख लेता हूँ। यार तुम क्यों अंदर वहाँ पर बैठी होती है, तुम्हें कुड़क से हटा दिया था, बोली दोस्तों मुर्गी जो है ना उसको हमने कुड़क से हटा दिया, तो उसके अंडे वगैरह तो हमने सारे खा लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बैठी हुई है, और हमारा एक ही चूज़ा बेचारा रह गया। यार तुमने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना, इंशाल्लाह हम तुम्हें ना ऐसी जगह पर भेजेंगे ना, वहाँ पर तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा दोस्त होंगे और तुम उनके साथ खूब इंजॉय करोगी। दोस्तों ये भी ना हमारी 2 से 3 दिन की मेहमान है, इंशाल्लाह उसके बाद ये भी हम किसी को गिफ्ट कर देंगे। दोस्तों शाम को तो वैसे भी छत की सफाई करनी है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने ना मुर्गियाँ वगैरह इनको अभी खोल देता हूँ, ताकि घूमे फिरें। आओ यार आ जाओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी बाहर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे रैबिट से वो तो ऑलरेडी खुले हुए हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे, पता नहीं अब किधर चले गए, अंदर ही बैठे हुए हैं। दोस्तों जिस खाने में ना हमने मिट्टी वगैरह डाली थी ना, उस खाने में काफ़ी ज़्यादा शौक से बैठते हैं, और उन्होंने ना उस खाने में अपना खड्डा टाइप का भी कोई बना लिया है, तो अभी इनके लिए कोई मटका भी लाना पड़ेगा। मैंने सुना है ना खरगोश ना कोई मटके में पता नहीं आगे पाइप लगाना पड़ता है, फिर वो भी हमें जल्द से जल्द सिस्टम करना है, क्योंकि हमारे जो खरगोश है ना वो मेच्योर हो गए, और अब वो ना मेरे ख्याल में क्रॉसिंग भी करना शुरू हो गए। तो चलें उनका भी हमने कुछ ना सोचना है, 2 दिन तक उनका भी हमने ना अपना काम फिट करना है घर का, ताकि ना वो अपने बच्चे दे, और हमारे सेटअप में इधर छोटे छोटे बच्चे हो। दोस्तों एक दिन होगा ना कि हमारे सेटअप में ना इधर छोटे छोटे से खरगोश घूम रहे होंगे, ये आप देख लेना, आप मैंने आपको वीडियो में बोला ना, इंशाल्लाह देखना सर्दियों में मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर हमारे छत पे छोटे छोटे से ना रैबिट घूम रहे होंगे। यार मैंने तुम लोग खोल दिया तो बाहर आओ ना यार, उधर जाके क्या कर रहे हो,
घूमो फिरो, शाम को मैं तुम लोगों को बंद कर दूंगा क्योंकि शाम को मैंने सारी छत की सफाई करनी है। और दोस्तों मैंने बोला है कि मौसम देखिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो गया है, क्यों ना इनकी सफाई हम अभी कर लें, क्योंकि वो बताया बारिश वगैरह होगी तो जिसकी वजह से ना फिर ये सारा का सारा इधर चिक्कड़ वगैरह हो जाएगा और गंद वगैरह हो जाएगा। तो वो पता है कि बारिश के जो इम्कान वगैरह हैं और देखिए कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं, देखिए चारों तरफ बादल आए हुए हैं, ये इस तरफ तो कुछ ज़्यादा ही आए हुए हैं। तो अब मेरा दिल कह रहा है कि हम सफाई कर लें इनकी छत की, शाम को बारिश हो जाएगी फिर दोबारा इनके घर में ऐसे चिक्कड़ गंद वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो अब मैं कहता हूँ जल्दी से मोबाइल सेट और उनके घर की हम सफाई करते हैं। यार तुम लोगों की मैंने सफाई करा ना ठीक है, तुम लोगों ने गंद अगर किया ना तो फिर मैं दोबारा सफाई कर लूँगा क्योंकि वो पता है परिंदे ये तो गंद वगैरह करते हैं ना। हम रैबिट्स को बंद कर लेंगे, रैबिट्स को नहीं खोलेंगे क्योंकि जो आपको पता है रैबिट्स होते हैं ना वो ज़्यादा गंद करते हैं। तो चलें अब मैं जल्दी से मोबाइल को इधर एडजस्ट करके और फिर उसके बाद हम सफाई स्टार्ट करते हैं। सफाई तो मैंने कर लिया है और कितना ज़्यादा गंद था और आप देखें छत बिल्कुल साफ हो गया। मैं कर दूसरे पहले हमने रैबिट्स बंद कर दिए तो बस, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा गंद करते हैं, मौसम भी प्यारा है और अंदर ठंडी ठंडी मिट्टी में बैठे हुए हैं तो अंदर ही इंजॉय करें, बगैर हमारी मुर्गियों ना खुली रहेंगी। ये ना जो गंद है साइड पर मैंने रख दिया क्योंकि इसमें ना अभी भी मटर वगैरह के छिलके पड़े हैं और ये जो हम नीचे घास वगैरह लेके आते हैं ये पड़े हुए, ये हमारी मुर्गियाँ खाएँगी आराम से उनसे इंजॉय करेंगी। तो शाम होगी या रात होगी ना फिर हम इनको ना यहाँ से नीचे फेंक देंगे और हमारी जो फख्ते हैं ना फिर इतनी मजे मजे की आवाज़ें निकाल रही हैं, हमारी देख के चुप हो जाती हैं। दोस्तों मैं ना आपको इनके अंडे बच्चे इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि आपको पता है कि इधर ना जैसे ही मैं इनको खोलता हूँ ना तो फिर ये जो है ना ये उड़ के इधर बाहर आ जाते हैं, फिर मेरे इतना भगाते ना उसके बाद जाके बड़ी मुश्किलों से अंदर जाते हैं। इस वजह से ना इनके जिसके अंदर ना मैं बहुत कम ही जाता हूँ, ऊपर से देख लेता हूँ लेकिन अंदर मैं नहीं जाता। आ रहे हूँ तो मुझे देखिए इधर एक कवारा कबूतर नजर आया ये बैठा हुआ है, तो जल्दी से अपने कबूतर निकाल लूँ। ओए चलो चलो बाहर चलो, चलो चलो जोड़ी जोड़ी बांध के सारे बैठे हैं, बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो, भागो भागो। उड़ो उड़ो देखते हैं बोला जो है वो हमारे कबूतरों को देख के इधर आता है नहीं आता। और दोस्तों बादल भी ना इस टाइम ना बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, यार आओ तुम लोग आओ हम तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, आओ ना यार, ताकि हमें थोड़े से ना ठंडक फील को बार बार बादल देखें। आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग, जल्दी यार जल्दी बरसो, हमारे परिंदे जो है ना इनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगी हुई है ताकि ये भी ठंडे हो जाएं। तो सेटअप की वैसे भी मैंने सफाई कर लिया, मेरे कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी कि इधर चिक्कड़ वगैरह है कुछ ऐसा मसला होगा, तो ये भी मैंने सही कर दिया है। तो बस अभी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इधर बारिश बरसाए ताकि ना हम इधर ना अपने बारिश में अपने बर्ड्स के साथ अपने परिंदों के साथ ना नहाएं। और ये कबूतर इधर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये इधर आता है या नहीं आता। इधर ना दाना पानी वगैरह फुल मिलेगा, मस्ती में मिलेगा, आ जाओ आ जाओ। देख रहे दोस्तों इन्हीं कबूतरों के पास ये थे लेकिन अब आता है या नहीं आता। दोस्तों वहाँ से उड़ा है और ये थी इधर चक्कर काट रहे थे, ये थी मुझे लग रहा है हमारे कबूतरों के पास ज़रूर आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं थोड़ा छुप जाता हूँ। आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, ओए फिर चला गया, मेरे ख्याल में कहीं और निकल गया, नहीं आया ये 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 आया 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 फिर चला गया, वो जा रहा है वो जा रहा है वो जा रहा है वो जा रहा है, मेरे ख्याल में ना चला जाएगा हमारे पास नहीं आएगा, मुझे इसके ना उड़ने से ही लग रहे थे, ये थे फिर चला गया वो के, फिर उसी जगह पे ना जाके दोबारा बैठ गया। क्या कह सकते हैं, फिर हम अब नीचे जाते ना तो वो फिर जब आएगा ना, अगर आया शाम को तो पकड़ लेंगे, नहीं आया तो फिर यार टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों से मौज की है शाम और मौसम भी देखिए कितना ज़्यादा प्यारा हो गया, और अब जल्दी से ना इन्हें हम रोटी वगैरह डाल दें और उसके बाद ना हमने जो काम करने अपने कबूतरों के अंडे देखने, कबूतरों ने सॉरी तोतों के अंडे देने देखने, क्या उन्होंने अंडे दिए नहीं दिए। तो चलें हर टाइम लड़ रहा होता है किसी ना किसी मुर्गी से लड़ रहा होता है, पता नहीं क्या मसला है ऐसे। आओ यार आओ शायद ये फूल लें, और जो हमारे अंदर कबूतर थे उसको तो हमने खोला ही नहीं, मैं कह रहा मेरे कबूतर इतने कम क्यों नजर आ रहे हैं, ये देखिए आओ यार आओ आ जाओ आ जाओ आओ ना जब जोड़ा बनाने तो इधर लगा देते हैं इसको, अब इधर साइड पे रखते हैं, चलो चलो ठीक है सब।
और अब बारी है हमारे जो ऑस्ट्रेलियन तोते थे उनके अंडे देखने की। दरवाजा तो हमने बंद कर दिया है और अब देखते हैं क्या उन्होंने अंडे दिए भी हैं, ऐसे ही बैठे हैं। इतना सख्त है यार, नहीं खुल रहा। मैं खोलूं? आओ खोलो। इतना ज़्यादा सख्त है, मेरे से तो नहीं खोला। अब ये ट्राई करता है, देखते इसे खोलता है या नहीं खोलता। खोल गया ये, मैं खोल सकता था। वो मेरे हाथ में ना, मैंने रोटी डाली थी ना, इस वजह से ना वो स्लिप और थे मेरे हाथ। और जो हमारे फाखते हैं, देखें इनको पता चल गया कि हमारा ये अलग घर है। देखे डर रहे भी नहीं है ये, देखे यार डरो ना। अरे ओए माशाल्लाह, ये देखें इन्होंने दो बच्चे दे दिए, बकाया चार अंडे। अब इनके तंग नहीं करते। और ये देख लेते हैं, ये भी मादी। दोस्तों इसने चार अंडे दिए और इसने माशाल्लाह से बच्चे भी निकाल लिए। तो यार अभी इन्हें तंग नहीं करते, ये तो काफ़ी हैप्पी न्यूज़ होगी। यार शुक्र है यहाँ से नहीं निकली। इस वजह से दोस्तों मैं कहता था कि इनको मैं खोलता नहीं। आराम से आराम से, धूम नहीं निकाल ली थी, मजे की तो धूम है इसकी। वो चलेगी दोस्तों। आज तो हमने अपने तोतों के अंडे वगैरह देख लिए माशाल्लाह से। अब ना वो अपने ब्रीडिंग वाला सिस्टम बरकरार रखेंगे और हमारे जो कबूतर वगैरह हैं वो भी इंशाल्लाह काफ़ी जल्दी आपको सेटअप है ना, उनके प्यारे प्यारे से बच्चे मिलेंगे। चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुर्गों को भी डाल दिया, खरगोशों को खोल दें, खरगोशों को। वो सारी रात खुले रहेंगे तेरी। खाओ खाओ यार, सेहत ना खाओ, आराम से।